माइक नहीं था एक खींच रहे फोन से भी पीएसए में तो सही रिस्पांस नहीं मिला था और ये करने के बाद में ये सब हो रहा भी आ गया थोड़ा ठट से उसको मेरा नाम रफतुन्निसा है। मेरे को ऐसा किडनैप करके लेके गए थे लोग। मैं दो चार दिन से उन लोगों के पास ही थी। ज्यादती करे मेरे साथ। कौन कौन नाम बोलो, कौन बुलाए तुम्हारे मौके से? साबिर वाल्टा, साबिर उस बीवी और एक कोई लेडीज थी उनके साथ उन्हों, और एक अरब है इब्राहिम है उनका नाम, इब्राहिम शुक्र अल्लाह उल्ला ले लेके गए थे। मेरे साथ जाति करो हर तरीके से। नको बोलो घर में, बोले नको बोलो घर में, मोना बात करना है, उनकी बेटी से बात करना है, मोना से अर्जेंट बात करना चाह रहे उन्हों, इसीलिए बुला रही हूँ मैं, आप आइए बोल के बोले, ओला बुक करा के दे दी मैं, सब करी मैं, आओ बोल के बोले थे। तो आप घर में बोल रहा था आपकी बहन को, मैं जा रही हूँ बाजी अम्मी उनको बोलो बोल के बोले थे। तो आपका तो काम था ना, 6 साल से उस पर भरोसा करते थे भाई, 6 साल से भरोसा करते थे, भरोसे के हिसाब से चले गए। मगर नहीं मालूम था ना, ऐसा 4 दिन में कॉल भी नहीं करे आपके बहन को बोलता, उन्होंने फोन ले लिए थे हमारे जाने के बाद। मेरे शोहर का दोस्त है तो उससे हमारे ताल्लुकात कभी थे ही नहीं, है भी नहीं। वो मेरे शोहर का दोस्त है एक, वो मेरे शोहर का दोस्त है, और मेरा खुला मेरे शोहर से हो गया सो है। होने के बावजूद भी जब मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बहन को धोखे से बुलाया, साबिर बुला के मेरी बहन को ले जाके अरब के हाथ में दे दिया, धोखे से बुलाया। मेरी बहन भी तलाकशुदा ही है वो भी, लेकिन उसका 1 महीना हुआ कुछ खुला होके, धोखे से बुलाया उसको, बुला के 4 दिन से अगवा करके किडनैप करके उसको लेके जाके ज़ाती करके कोई बहरीन के बुड्ढे के हाथ में दे दिया। तो जब हम तहकीकात करे हर जगह गए, अंबरपेट पीएस गए, बालापुर पीएस गए, चंद्रायन गुट्टा पीएस आए, कहीं से भी हमारे को सही रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी हमारे को सही जवाब नहीं दे रहे। यहाँ आए तो बोरे वहाँ जाओ, वहाँ आए तो बोरे यहाँ जाओ, 4 दिन से बच्ची लापता है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। हम सीधे से सवाल कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है, झिड़कियाँ गालियाँ। ये वाकया 25 तारीख के दिन बच्ची गई हुई है घर से, 25 तारीख के दिन बच्ची गई हुई है घर से। और हम जब पूरी इंक्वायरी करने के बाद हमारे को बच्ची का फ़ोन जब लगा, जब हम पूछे तो बात चली कि साबिर भाई के ऐसा बुलाए थे, साबिर भाई के पास हम आए तो साबिर भाई फलाने बुड्ढे के हाथ में दे दिए, और मेरे को इन्हें बाहर जाने नहीं दे रहा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा, ऐसा वैसा अलान फलान। जब ये पूरी इंक्वायरी करने के बाद कल 29 के दिन मेरे को सही से ना पुलिस वालों से, ना मेरे को अंबरपेट पीएस और चंद्रायन गुट्टा पीएस और अपना बालापुर पीएस, ये 3 पीएस से भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आने की सूरत में मैं मेरी बहन का पता लगाई, उसको मैं फ़ोन पे रख के मैं उसको एड्रेस उठा के मैं उसके घर पे गई जहाँ उन्हें रह रहा था। वहाँ एक बुढ़ा बुढ़ी का घर है, सिर्फ बुढ़ा बुढ़ी रहते, और वहाँ पर ऐसा पता चला कि यहाँ पर इन्हें कैसा आया, शादी करा नहीं करा, शादी बगैर करेंगे कोई कैसा रख सकता किसी के घर में भी। मेरी बहन से भी बात करी, क्या हुआ ऐसा, मतलब हुआ क्या, 4 दिन से क्या हो रहा तुम्हारे साथ? बोले शादी वादी कुछ नहीं करा, उन्हें साबिर मेरे को बेच दिया, इन्हें ऐसा बोल रहा, साबिर मेरे को बेच दिया। तो कैसा बेच दिया, ऐसा कैसा बेचा? साबिर को बुला, इससे मैं बात कर रही हूँ, साबिर को बुला। तो बोलता बहन जी तुम सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं क्या सुनूँ, मेरे को अरबी नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, मैं क्या बात करूँगी उसके? फिर भी उन्हें टुट्टी फुट्टी हिंदी में उन्हें बोल रहा था। मैं बोली चल पीएस को चल के हम बात करेंगे, मेरे को सही से रिस्पांस नहीं मिला। पीएस को आने के बाद भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं उसको क्या करी, जब उन्हें पूरा सामान जल्दी जल्दी ऑटो में डाल के उन्हें निकल रहा था, मैं उसका पासपोर्ट हाथ में से खींच ली, हाथ में से उसका पासपोर्ट खींच के मैं सीधे से 5:30 के टाइम पे मैं उसका पासपोर्ट मेरे हाथ में उसके हाथ में से मेरे हाथ में ले ली। लेने के बाद बोली जब तू कोई बच्ची की ज़िंदगी, ऐसे कितने बच्चियों की ज़िंदगी तू बर्बाद करता, साबिर को बुला,
चल साबिर के पास जाएंगे। इन्हें साबिर के पास नहीं चला, मैं इसका पासपोर्ट लेके साबिर के पास गई। साबिर नहीं था घर में, साबिर उसकी फैमिली कोई घर में नहीं थी, लॉक था। पैसों का डिमांड करा था कौन ये बूढ़ा? तो कोई ऐसे मेरी तो उसकी ज़्यादा ऐसी बात नहीं हुई, खाली ये बात बोला कि तेरी बहन को ने मेरे को बेचा। कितने में बेचा, क्या बेचा, कहाँ बेचा, उसके सामने बात करेंगे। वो अभी तक सामने आया नहीं, घर से फरार है। जब मैं आई पीएस में 7:30 बजे तक मैं उसको ढूंढती रही और वो आया नहीं। 7:30 को मैं यहाँ पर आई पीएस में। मैं आने के बाद में मैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल से बात करी। हेड कांस्टेबल बोले आप अंदर जाओ। तो मेरे को नाम आया ये अपने क्या बोलते जाकिर हुसैन साहब, मेरे को अंदर बुलाए। बुला के बोले क्या मसला है? मैं बोली ऐसी की बात ऐसी है, मेरी बहन अगवा हुई हुई है, आज उसका मैं पता चला, ये पासपोर्ट है मैं पकड़ के लेके आई, ये आदमी कहीं भागा हुआ है, मेरी बहन घर में है, आप लोग अभी पता लगाओ इसका और अभी के अभी सवाल करो, अभी साबिर को उठाओ। तो बोले कौन से एरिया में रहता? नबील कॉलोनी में रहता। साबिर कहाँ रहता पूछे? सुनिए, साबिर कहाँ रहता पूछे? नबील कॉलोनी में रहता। बोली ये पासपोर्ट तुमको कहाँ से मिला? मैं बूढ़े गने से खींची। इन लोग ये सवाल नहीं करे कि ये बूढ़ा किधर है, तो मैं बराबर बोलती थी। इन लोग मेरे को सवाल नहीं करे, नहीं करके मेरे को सीधा सीधा बोले बालापुर पीएस जाओ। मैं बोली ठीक है मैं बालापुर पीएस जाऊँगी, आप रिस्पॉन्स दे दो मैं जाऊँगी, आप कुछ रिकमेंड लगाओ मैं जाऊँगी, मेरे को नहीं मालूम पीएस। ठीक है मैं गई पीएस। जाने के बाद वहाँ पर भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई नहीं था, मेरे को कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं। बैठो बैठो बोलते, रात के 11:30 बज गए, मैं बालापुर पीएस के पास ही खड़ी रही और 9 बजे मैं बालापुर पीएस के अंदर गई। 9:15 को मैं बालापुर पीएस के अंदर गई और मैं बाहर निकली। वहाँ के भी सीसीटीवीज देख सकते हैं आप लोग। मैं जाने के बाद वो लोग भी मेरे को सही से जवाब नहीं दिए। अंबरपेट पीएस भी गई, वो लोग भी मेरे को सही से जवाब नहीं दिए। मैं फिर वापस क्या करी, चलो जो भी होगा कल सुबह देखेंगे। 12 बज रहे, रिस्पॉन्सिबल कोई मेरे साथ नहीं था। मैं बोली चलो घर चले जाएंगे, मैं मेरे घर चली। चले जाने के बाद मेरी बहन को ला ली मैं कल, पासपोर्ट और मेरी बहन दोनों को मेरे साथ ला ली। बहन को मेरे घर छोड़ी, पासपोर्ट लेके यहाँ आई मैं चंद्रायन गुट्टा पीएस आई। ठीक है, आने के बाद ये लोग जवाब नहीं दिए, मैं बालापुर पीएस से मेरे घर चले गई। 2 बजे रात को चंद्रायन गुट्टे से 3 पुलिस वाले, 2 लेडीज़ पुलिस बिंदास मेरे घर में घुसी, पूरी ताजपीछ करी, पलंग के नीचे अलमारी खोल के सब कुछ देखे। मैं बोली क्या ढूंढ रहे? तो तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट है। किस चीज़ का कंप्लेंट है? इब्राहिम का। मैं बोली इब्राहिम का कंप्लेंट लेके मैं खुद पीएस आई थी तो तुम लोग कोई जवाब नहीं दिए। ठीक है, इब्राहिम का तुम्हारे पास क्या क्या है? मैं बोली ये पासपोर्ट है। ठहरो तुम हटो हम देखते। मैं बोली ठीक है देख लो क्या क्या देखते। ये पासपोर्ट पहले हाथ में पकड़ो, लेडीज़ के हाथ में पासपोर्ट दे दी, ये हाथ में पकड़ो देखो क्या देखना है। मेरा लॉकर छोड़ दी, मेरी अलमारी छोड़ दी, सब कुछ मैं उसके हाथ में छोड़ दी। लेडीज़ पूरा चेक करी, बोली चलो तुम अभी के अभी गाड़ी में बैठो। मैं बोली ठीक है बुरखा तो पहनने दो। बुरखा भी नहीं पहनने दिए, गाली गलौज करने लगी मेरे साथ। मैं बोली सीधे से बात करो, मैं कोई चोरी नहीं करी ना मैं कोई डका डाली। आप लोग जब मैं यहाँ पर आई थी मेरे को रिस्पांस नहीं दिया चंद्रायन गुट्टा पीएस से, फिर मेरे घर पे 2 बजे रात को आने की वजह क्या है? पीछे से ये बुड्ढा निकल के आया, अस्सलाम वालेकुम बहन जी। मैं बोली अच्छा तो तू है इसके पीछे, तू भागा हुआ था, ठीक है चल आ रही हूँ चल। बोल के मैं मेरे भाई को ले लेके मैं गाड़ी में बैठी 6 नंबर के तरफ अंबरपेट से, मेरे को 6 नंबर लेके आके 6 नंबर पे मेरे को छोड़ दिए। आप जाओ घर को, सुबह में आओ, आपकी बहन को लेके पीएस में आओ, आपके भाई को ले लेके जाते। ठीक है ले लेके आए, मेरे भाई को अभी तक लॉकअप में रखे और वो बुड्ढा कहाँ है? खुलेआम फिर रहा। और जब मैं पीएस को आई मैं बात करने गई तो यहाँ पर मेरे को सीधा जवाब नहीं मिल रहा, मेरे को गाली गलौज मिल रही है यहाँ से। ए अकड़ घुसो, ए अकड़ पो, ए दोंगा अकड़े कड़वो, तू ना क्या चोरी करे, इनका कुछ तो भी चुराए करे। इन लोगों मेरे को सही जवाब नहीं दे रहे। मैं बोली ठीक है साहब मेरे को सीधा आपसे बात करना है, मैं अंदर आ रही हूँ, मेरे को अंदर आने दे। एम का वाले इकड़ रहा, ये कौन बुलाए? कृष्णा, कुछ कृष्णा नाम है अंदर एसआई का। उन्हें अगे तुगे से हिंदू लैंग्वेज से, हिंदी में सही बात नहीं आती उसको, अगे तुगे से बात कर। मैं बोली ठीक है भाई अभी तुमको क्या है हमारी डिटेल लेना ना? नहीं हमारे कोई बात नहीं सुन रहे, उन्होंने नहीं सुन के वो बुड्ढे को कुर्सी डाल के बाजू बिठा के उसको पानी का बॉटल मंगा के उसके हाथ में दे के उसकी बातचीत चल रही, और जिसके घर में थे उसको बुलाए, उसको बुला के भी पूछे 4 दिन से यहाँ था क्या बोलते, उन्हें उसकी बात करता और वहाँ से कोई खमीज है, कोई खमीज है अरब वहाँ पर बैठ के इसको रिस्पांस दे रहा, वहाँ बैठ के इसको भेज रहा आदमियों को इसके साथ अरबी, वहाँ का अरबी यहाँ के अरबी को भेज रहा। तो ये दो अरबियाँ मिलके यहाँ के लोगों को खरीद रहे हैं, वहाँ के लोगों को खरीद रहे हैं, तो इन लोगों का इन लोगों सुन रही, तो हम जाके किसको बोलना? बच्ची 4 दिन से अगवा हुई, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ हुआ है, बच्ची अंदर है, ये लोग बाहर आने भी नहीं दे रहे, भाई को भी अंदर डाल दिए, हमारा कसूर क्या है? पहले हमारी बात नहीं सुनते इन लोग, इसकी बात सुन के ये जवाब हो रहा। तो अब ये जाके सवाल किसको करना है? एसीपी साहब को करना है, डीसीपी साहब को करना, किसको करना? जब सर्कल साहब को मैं बोली रात में आई थी ना साहब, आपसे बात करी ना साहब, बोल के मैं फ़ोन करी तो रखो रखो थोड़ी देर में बात करता हूँ, रखो बोल के फ़ोन रख दिए।
जाकिर हुसैन साहब को फ़ोन करी तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, रात से फ़ोन आकर पुलिस मेरे घर पे आ गई आधी रात को उठा रही। मैं खुद आए खुद मेरे को जवाब देना था, फिर आधी रात को पुलिस मेरे घर पे आके जब मेरे को उठा रही, इन लोगों मेरे को जवाब नहीं दे रही। और मैं पीएस को आके देख रही हूँ, पीएस को आके यहाँ पर देखने के बाद में वो जो अरबी है उन्हें बिरयानियाँ ला के हर किसी को दे रहा, चाया ला के हर किसी को दे रहा और उसकी बात सुनते जा रहा। मेरे को बोला नड़वे अकड़ा नड़ू अकड़ा नड़वू ए नहीं अम्मा श्री कृष्णा बोल रहा, वो कृष्णा नाम है उसका, कृष्णा यार ये अरबी जो है ना बुढ़ा अंदर बैठा हुआ, उन्हें ला के कृष्णा के हाथ को दिया और एक कोई अनक्षी है उनके हाथ को दिया, राइटर के हाथ को दिया, मंगाया कोई पुट्टों से बहुत है उसके हाथ के नीचे पुट्टे मंगा के दिया। मेरा नाम सालेब अफना है, ये इब्राहिम जो शेख है ये जो है सो बहरीन के है, इन हमारे रिश्तेदारों में उमान में एक हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने बोले कि हमारा दोस्त है इसको रखो एक चार छः दिन के वास्ते रखो बोले, तो हम लोग इसको रखे 25 के दिन रखे, वो भी हमारे रिश्तेदारों के रिकमेंड ज़रा वो कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे तो इसको रखे हम लोग, इसको रखने के बाद 25 के दिन जो है सो ये लोग आए, इनके साथ जो है सो इनकी बीवी, बीवी का भाई और बीवी की बहन और बीवी की माँ, पांच जने ये लोग आए और जो है सो आने के बाद 25 को रहे अंदर, इनके बीवी थे इनू थे। कल जो हुआ ज़रा हम लोग बोले, कल लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे घर में, तो हम लोग बोले कि बस्ती में हम लोग की इज्जत है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हमारे घर में आवाज़ पुकारा नहीं होना, आप लोग आपके घर को चले जाओ, आप लोग आपके घर को जाके आप लोग जो भी करना है आप फैसले आपके घर में करो, यहाँ पर शोर शराबा मत करो, आप लोग आपका सामान ले लो आप लोग चले जाओ बोल के बोले, तो ठीक है अच्छी बात है बोल के वो लोग पूरा सामान ले लिए। कल चार पाँच बजे के दरमियान में सामान ले लेके वो लोग सब जने ऑटो मंगा के पूरा ले लेके चले गए। ले लेके जाने के बाद उसके बाद हमारे वो ले लेके चले गए, उसके बाद उन लोग क्या करे क्या नहीं करे हमको मालूम नहीं, वो अरबी के साथ क्या करे क्या नहीं करे नहीं मालूम। कहाँ पे आपका मकान? मेरा फ्रेश बेकरी कहने हैं सलाला। अच्छी बात है आप जब बोल रहे हैं।